हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फैक्टोस में वीडियो नंबर 2 है, जिसका मैंने पहला वीडियो अपलोड कर रखा हुआ है, आप लोग देख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम आपको रासायनिक गुण और उपयोग के विषय में बताएंगे। जैसा कि सबसे पहले बच्चों, रासायनिक गुण में हम इसका अपचयन करवाएंगे, रासायनिक गुण में अपचयन कराएंगे। यहां पर हम लोग लेते हैं कीटोन की कीटोनिक संरचना, फ्रक्टोज की बनाते हैं। जब हम फ्रक्टोज की यहां कीटोनिक संरचना बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगी, देख लीजिए आप लोग। CH2OH सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड O, CHOH का होल साइज सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहां पर हम इसका अपचेन करवाएंगे। बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, दो तरीके से बन सकता है। दो एच यहां पे कैसे लगेंगे, यहां पे लगना है, यहां पे पूरी क्रिया होनी है, तो यहां पर दो तरीके की संरचना बन सकती है। बच्चों ये एच एक बार इधर लग जाएगा, एक बार ओ एच इधर लग जाएगा, नीचे हो जाएगा सी एच ओ एच का होल प्राइस सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ एच। या फिर इसी स्ट्रक्चर को बच्चों हम इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरफ ओ एच लगा देंगे और इस तरफ एच ना लिखेंगे, सी एच ओ एच का होल प्राइस सी एच टू ओ एच। बच्चों इस संरचना को हम सॉर्बिटॉल बोलते हैं और इस संरचना को मैनिटॉल बोलते हैं, मैनिटॉल। तो इसमें डिफरेंस क्या है बच्चों? डिफरेंस ये है कि सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप में जब दो एच से अपचयन करवाएंगे तो एक एच इधर लग जाएगा, ओ के साथ में एच, तो एच ओ एच इधर हो गया, और यदि मैं इसको घुमा दूं, इसको रोटेट कर दूं, तो ओ एच इस तरफ आ जाएगा, एच इस तरफ है, वही चीज, बस अंतर क्या है, नाम में अंतर है। ये है सॉर्बिटॉल, ये है मैनिटॉल। तो बच्चों आप लोगों ने समझ लिया ये कौन सी अभिक्रिया थी, अपचयन अभिक्रिया है। अब इसके बाद बच्चों हम इसकी क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से देखेंगे। हम स्ट्रक्चर बनाएंगे इसी तरीके का, CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसकी क्रिया बच्चों हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएंगे। यहां पर क्या होगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड C, बच्चों O और H मिलके क्या हो जाएगा, कीटोन वाले पूरी संरचना है, O और H मिलके OH, और एक तरफ हो जाएगा CN सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। अगर हम सोडियम बाई सल्फाइड से बात करें तो CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये किससे क्रिया होने जा रही है बच्चों? ये आपकी क्रिया किससे थी? ये थी आपकी हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। अब नीचे किससे करने जा रहे हैं बच्चों? सोडियम बाई सल्फाइड NaHSO3 से क्रिया, NaHSO3 से क्रिया। यहां पे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे NaHSO3, सेम रिएक्शन होना है बच्चों, जैसे ऊपर किया है O और H, O ने H को दौड़ा, यहां पे O भी H को दौड़ेगा, स्ट्रक्चर भी वैसा ही बनने वाला है, CH2OH सिंगल बॉन्ड C, यहां पे सिंगल बॉन्ड से OH हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड से SO3 Na हो जाएगा, यहां पर CHOH का होल थ्राइस हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2OH हो जाएगा। बच्चों आपने इन दोनों रिएक्शन में क्या सीख लिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया सीख लिया, सोडियम बाइसल्फाइड से सीख लिया। अब अगली रिएक्शन हम आपको ऊपर से बताएंगे। स्टूडेंट्स यहां पर हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया हो रही है, आप देख रहे हैं मैंने उल्टा लिख दिया H2NOH, क्यों लिख दिया आप समझ चुके होंगे कि H2 और O मिलके H2O निकल जाएगा, जो पार्ट बचेगा उसको नोट करेंगे, यहां पर CH2OH हो जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NOH हो जाएगा, यहां पर CHOH का होल थ्राइस हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा CH2OH प्लस क्या निकल जाएगा H2O। ओके, यदि मैं फेनिल हाइड्रोजन से ये क्रिया बताऊं तो यहां पर CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। अब किससे होने जा रहे बच्चों रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजन क्या होता है सूत्र, C6H5NH NH2। इस रिएक्शन को इसके बगल में उल्टा नोट करेंगे, H2N NH C6H5। बच्चों जैसा कि पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया जा चुके हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है, H2 और O मिलके क्या निकलेगा H2O, जो पार्ट बचे सेम टू सेम नोट कर दो, यहां होगा CH2OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N NH C6H5, यहां पर बचेगा CHOH का होल थ्राइस सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इस तरीके से हो गया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इसी तरह करो कि फ्रक्टोज में 5 OH समूह होते हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें भी उसी तरीके क्रिया करना है, CH2OH लेना है,
सी डबल बॉन्ड ओ ऐसे बना लेना है, या फिर सी एच ओ एच का होल थ्राइस कर लेना है, या सी एच टू एच। वैसे देख दिख रहे हैं ना पांच ओएच, तीन और एक चार, चार और एक पांच। आप क्या कर दीजिए, यहां पर सीधा पांच सी एल फाइव से क्रिया करवा दो। तो इसमें कॉन्सेप्ट के रूप में आप सभी को मालूम है कि पीओ सी एल थ्री पक्का निकलेगा, लास्ट में एच है तो यह सी एल भी पक्का निकलेगा। लेकिन बच्चों आपको बता दें, यहां पर पांच एच की व्यवस्था होने करने के लिए पांच का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पांच पी हो गया तो यहाँ पे भी पांच का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बच्चों निकलेगा क्या, यहाँ से पांचों निकल जाएगा। आप चेक करो पांचों निकल रहा है ना, कितने हो, एक दो तीन, तीन इसके हो गए, इससे कोई लेना देना नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। एक इसका दो, दो तीन पांच, यहाँ पे लग जाएगा सी एच टू सी एल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एच सी एल का होल थ्राइस सी एच टू सी एल। इस तरीके से सिद्ध हो जाता है कि फ्रक्टोज में पांच ओएच समूह होते हैं। इससे ज्यादा और कोई भी रिएक्शन नहीं आएगी, बाकी आप कीटोनिक समूह के सारे रिएक्शन पढ़ लेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं कि सर हमें ये नहीं समझ में आया, मैं उसको लाइव क्लास के माध्यम में ला करके आपको अच्छे से समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। उपयोग आप लिख सकते हो प्रयोगशाला में कर्म के रूप में कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, या फिर आप ये जो बनाते हो फेनिल हाइड्रो फ्रक्टोज फेनिल हाइड्रेजोन के निर्माण में इत्यादि वगैरह। ठीक है, तो आज की वीडियो बच्चों इतना ही रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए धन्यवाद।